हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटर फंक्शन, तो इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, 1/1 - tan x फंक्शन है इधर, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेट अस सी हाउ इट इज वर्क। ओके, नाउ देयरफॉर आई मींस इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - tan x dx। dx मींस विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है। tan x को भी इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के पहले हमको क्या कुछ टर्म को अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - tan को हम sin x / cos x लिखेंगे dx। उसके बाद a cos x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज a, दैट इज देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x - sin x / cos x dx हो गया, ठीक है, इस तरह आएगा। उसके बाद इस cos x को न्यूमरेटर पार्ट में शिफ्ट करेंगे हम। दिस स्टेप बिकम इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x / cos x - sin x dx करके है, ओके। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तभी हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x है, 2 cos x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos x - sin x + cos x + sin x। अगर ब्रैकेट को ओपन किया तो -sin x + sin x कैंसिल हो जाएगा, cos + cos 2 cos हो जाएगा। यही इधर दिखाया है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम एज इट इज, 2 cos x - sin x dx करके है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ए फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट करके लेंगे, ए दूसरा इंटीग्रल पार्ट करके लेंगे हम, ठीक है। नाउ देयरफॉर I is equal to integration of cos x - sin x / 2 cos x - sin dx plus second integral part integration of cos x + sin x / 2 cos x - sin x dx करके है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट में देखिए, a ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2, इसको बाहर लेंगे, सो 1/2 इंटीग्रेशन dx ही रिमेनिंग, ओनली dx रहेगा, प्लस बाद में इसको भी इधर 1/2 लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x / cos x - sin x dx। अभी क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा सिर्फ सेकेंड इंटीग्रल पार्ट को, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा इधर, नाउ यू पुट cos x - sin x को हम टी करके लेंगे, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करो, cos x - sin x - sin x - cos x dx = dt, और माइनस को इस साइड कॉमन लेके इस साइड शिफ्ट किए तो हमको क्या मिलेगा, sin x + cos x dx = -dt मिलेगा हमको। इन्हीं दोनों रिजल्ट को सेकेंड इंटीग्रल पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx एज इट इज ए विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल रहेगा, सिर्फ सेकेंड इंटीग्रल पार्ट को हम चेंज करना पड़ेगा। Then plus, okay, integration of cos x + sin x dx is equal to what? -dt है, -dt divided by denominator cos x - sin x क्या है इधर, t करके है, okay। Now therefore I is equal to 1/2 integration dx, minus को बाहर लेंगे, 1/2 integration of 1/t dt, okay। Now therefore I is equal to 1/2, first integral क्या है विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है, ओनली 1 है इधर,
वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो इंटू एक्स आएगा, वन बाई टू इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया दैट इज ए लॉग टी प्लस सी, टी के जगह फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू लॉग ऑफ टी के जगह में कॉस एक्स, टी क्या है इधर कितनी सब्स्टिट्यूट किया है लॉग एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए, आई बटन में भी कुछ लिंक से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।